इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले फॉलिनेक्स डी कैप्सूल के बारे में। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिन यूज करते हैं, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या रिडिसियम मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन लगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोजेंस कितना होना चाहिए, तो फॉलिनेक्स डी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं फॉलिनेक्स डी कैप्सूल, जो कि हमारे पास 15 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 113.85 यानी कि 113 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं फॉलिक एसिड्स, मिथाइल कोबालामिन्स या डीएसए कैप्सूल्स उसके अंदर डाले गए हैं। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात की तो उसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और प्री एंड पोस्ट नेटल वीकनेस के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल का इस्तेमाल वीटल ब्रेन्स और आई डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ को, और इसका इस्तेमाल न्यूरो कंजक्टिविटिस आउटकम्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये मैटरनल डिप्रेशन के लिए इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसके यूज़ के बारे में बात की तो उसके अंदर जो फॉलिक एसिड रहता है, जिसका रोल रहता है ये प्रिवेंट करता है सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स को, इम्प्रूव करता है ब्रेन डेवलपमेंट्स के लिए। इसके अंदर जो मिथाइल कोबालामिन्स रहता है उसका रोल रहता है ये प्रोमोट्स करता है ग्रोथ करता है मैटुरेशंस ब्लड सेल्स को, और इसके अंदर रहता है डीएचए यानी कि डोकोसैक्सैनिक एसिड रहता है, जिसका यूज वेटल ऑफ ब्रेन्स एंड आई डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ को। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड्स मिथाइल कोबालामिन्स और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल का डोज और डोजेंस की बात करें तो इसका डोज और डोजेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है, और इसका डोज और डोजेंस आफ्टर मिस रहता है यानी कि कैप्सूल को खाना खाने के बाद दिया जाता है। वही कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करिए। अपने मन से फॉलिनेक्स डी कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो फॉलिनेक्स डी कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट तो नहीं कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। फॉलिनेक्स डी कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।